भारत की अंतरिक्ष एजेंसी इसरो यानी भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का नाम दुनिया भर में छाया है। चंद्रयान 3 की ऐतिहासिक सफलता ने इसरो और भारत का सिर गर्व से ऊंचा कर दिया है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि चंद्रयान 3 से पहले भेजे गए चंद्रयान 1 और चंद्रयान 2 का उद्देश्य क्या था? चंद्रमा के लिए भारत का पहला मिशन चंद्रयान 1 22 अक्टूबर 2008 को SDSC श्रीहरिकोटा से सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया था। अंतरिक्षयान चंद्रमा के रासायनिक खनिज और मानचित्रण के लिए चंद्रमा की सतह से 100 किलोमीटर की ऊंचाई पर चंद्रमा के चारों ओर परिक्रमा कर रहा था। अंतरिक्षयान में भारत, अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी, स्वीडन और बुल्गारिया में निर्मित 11 वैज्ञानिक उपकरण थे। चंद्रयान 1 ने चांद के करीब 3,400 से अधिक परिक्रमाएं की थी। लेकिन वर्ष 2009 में इस चंद्रयान का इसरो से संपर्क टूट गया और ये अंतरिक्ष में कहीं लीन हो गया। अब आपको बताते हैं चंद्रयान 2 के साथ क्या हुआ। चंद्रयान 2 मिशन एक अत्यधिक जटिल मिशन था, जो इसरो के पिछले मिशन्स की तुलना में एक महत्वपूर्ण तकनीकी छलांग का प्रतिनिधित्व करता था। इसमें चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव का पता लगाने के लिए एक ऑर्बिटर, लैंडर और रोवर शामिल थे। मिशन को चंद्रमा की जमीन, भूकंप विज्ञान, खनिज पहचान और सतह की रासायनिक संरचना और चांद के ऊपर की मिट्टी की जानकारी इकट्ठा करने के लिए डिजाइन किया गया था। 20 अगस्त 2019 को चंद्रयान 2 को सफलतापूर्वक चंद्रमा की कक्षा में स्थापित भी कर दिया गया था। 100 किलोमीटर चंद्र ध्रुवीय कक्षा में चंद्रमा की परिक्रमा करते हुए 2 सितंबर 2019 को विक्रम लैंडर को लैंडिंग की तैयारी के साथ ऑर्बिटर से अलग कर दिया गया था। विक्रम लैंडर का उतरना योजना के अनुसार था और सामान्य प्रदर्शन 2.1 किलोमीटर की ऊंचाई तक देखा भी गया था। फिर कुछ ही समय बाद इसका संपर्क टूट गया था। ये भारतवासियों और भारतीय वैज्ञानिकों के लिए निराशा का कारण था, लेकिन भारतीय वैज्ञानिकों ने अपना हौसला नहीं खोया और चुनौती स्वीकार करते हुए चंद्रयान 3 की तैयारी शुरू कर दी। 4 साल बाद भारत ने चंद्रयान 2 की अगली कड़ी यानी चंद्रयान 3 को 14 जुलाई 2023 को भेजा। क्योंकि पिछला मिशन सफलतापूर्वक चांद की कक्षा में प्रवेश करने के बाद अंतिम समय में मार्गदर्शन सॉफ्टवेयर में गड़बड़ी के कारण सॉफ्ट लैंडिंग में विफल हो गया था, तो अपनी पिछली गलतियों से सीखते हुए इस बार 23 अगस्त को इसरो ने चंद्रयान 3 की सॉफ्ट लैंडिंग का प्रयास किया, जिसकी सफलता ने इतिहास रच दिया। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफल लैंडिंग के साथ ही वहां पहुंचने वाला भारत पहला देश बन गया और चंद्रमा पर उतरने वाला 4वां देश बन गया। चंद्रयान 3 वहां 14 दिनों तक रहेगा और चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव में छुपे हुए राज खोजेगा, जिससे आने वाले दिनों में वैज्ञानिक जगत को चांद के कई रहस्यों पर से पर्दा उठाने में मदद मिलेगी।